हमारे श्रमिक भाई बहन न्यूनतम सैलरी, रोजगार की सुरक्षा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। भाजपा की तीन राज्यों में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के परिणामों ने देश के मूड को एक झलक दिखा दिया है और लोगों ने स्थायी और समर्पित सरकार के लिए मंजूरी दे दी है। अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में जब पीएम मोदी से पूछा गया कि क्या हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव को लोकसभा के सेमीफाइनल माना जा सकता है, तो उन्होंने उत्तर दिया कि एक राजनीतिक वर्ग है जो कहता था कि राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के सामने कोई चुनौती नहीं है, लेकिन राज्यों में पार्टी को उतना समर्थन नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस मिथ को परिणामों ने तोड़ दिया है, हमने तीन राज्यों में सरकारें बनाई है, साथ ही तेलंगाना में भाजपा के वोट प्रतिशत में भी रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी के नाम पर वोट मांगने का प्रचार पहली बार हुआ था। अब अगला सवाल ये था कि क्या ये रुझान 2024 में भी जारी रहेगा। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि गारंटी सिर्फ तीन अक्षरों से सीमित नहीं है, इसमें चार मापदंड है। कि हमारे पहले टर्म की शुरुआत में भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में 10वें नंबर पे था, दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इरादे, नेतृत्व, काम का ट्रैक रिकॉर्ड, इसीलिए जब मैं मोदी की गारंटी कहता हूं तो जनता पिछले वर्षों के पूरे इतिहास को देखती है। जनता हमारी नीतियों का समर्थन करती है, हमारे इरादे का समर्थन करती है, हमारे नेतृत्व का समर्थन करती है और हमारे काम के ट्रैक रिकॉर्ड को लगातार देखती है, पीएम मोदी ने जवाब देते हुए कहा। आपको बता दें कि मोदी ने भाजपा सरकार द्वारा किए गए कामों पर भी विस्तार से बात की, जिसमें पिछले 9 वर्षों में गरीबों के लिए 4 करोड़ मकान का निर्माण, मुफ्त राशन योजना, रेलवे का परिवर्तन और स्थानीय निकायों और पंचायत स्तर पर पार्टी का नेतृत्व शामिल है। पहले अपने अधिकारों को पाने के लिए लोगों को सरकारी दफ्तरों में जाना पड़ता था और रिश्वत देनी पड़ती थी, अब सरकार लोगों के पास जा रही है, वो उन लोगों तक पहुँच रही है जिनके पास अधिकार हैं, पीएम ने जोर दिया। साथ ही कांग्रेस द्वारा बनाए गए एकजुट विपक्ष पर पीएम मोदी ने हंसते हुए कहा कि उन्होंने ये धारणा पैदा की है कि ये चुनाव सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ थे, जबकि वास्तविकता कुछ और ही है। ये इंडिया गठबंधन भाजपा के लिए केवल एक प्रकार की रणनीति और एक नई प्रयोग नहीं था, सामने कुछ था लेकिन पर्दे के पीछे इंडिया गठबंधन था। उन्होंने योजना बनाई और भाजपा के उम्मीदवारों के वोटों को काटने का भ्रम बनाया, लेकिन जनता ने उनके सारे षड्यंत्रों का नाकाम कर दिया। उन्होंने कहा, मोदी ने उत्तर दक्षिण भारत में चुनावों पर चर्चा को विपक्ष द्वारा शुरू किए गए झूठ के गुब्बारे का नाम दिया और कहा कि ऐसी देश को बांटने की राजनीति निराशा से पैदा होती है। ये लोग सत्ता पाने के लिए कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं, देश इसे देख रहा है, देश की जनता इसे देख रही है, मुझे देश की जनता की समझ पर पूरा विश्वास है। पीएम मोदी ने अपने इंटरव्यू में अन्य मुद्दों पर भी अपने विचार व्यक्त किए, जैसे कि कोविड-19 महामारी का सामना करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों का सहयोग, आत्मनिर्भर भारत अभियान, किसानों के हितों के लिए कृषि सुधार, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और देश की विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने जनता की आवाज को सुना है और उनकी आशाओं को पूरा करने के लिए काम किया है। पीएम मोदी ने अपने इंटरव्यू के अंत में जनता से अपील की कि वो अपना वोट देने के लिए जरूर जाए और देश के भविष्य के लिए सही फैसला करें। उन्होंने कहा कि वो जनता के विश्वास और प्यार के लायक होने का प्रयास करते हैं और करते रहेंगे और देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे।
आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। दीजिए विदा। नमस्कार।